नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इनको एचएसएससी के आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फायर ऑपरेटर, एचटेट, ग्राम सचिव, मतलब हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 100 क्वेश्चन का टेस्ट देकर देखें और अपनी हरियाणा जीके की तैयारी चेक करें। और हाँ, वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था 1/11/1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला हरियाणा के निम्न में से किस एक जिले में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर आएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संबंध में बेमेल का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कैरेज व वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ? तो ये हुआ पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में गीता प्रीमियम लीग द फेस्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य की किस कॉलेज में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी डीएवी सेनेटरी कॉलेज फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी सीबा मैगनन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर आएगा दिव्य वदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा नरबीर सिंह, कृषि मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक, सर्वज्ञान संपन्न, बुद्धिजीवी एवं संपादक हैं, का संबंध हरियाणा के जिले खालिस्तान से है? तो इसका आंसर आएगा सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि बजट में आवंटित की है? तो इसका आंसर आएगा 3,839 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर आएगा श्री धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का पूर्व नाम कपिस्थल था? तो इसका आंसर आएगा कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने तारीख 10 और 11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजित किया? तो ये कहाँ पे किया था? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय का मानदंड है 1 लाख प्रतिवर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? तो इसका आंसर आएगा पंजाबी। टांगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर आएगा घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को कुल कितने राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है? तो इसका आंसर आएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी चलचित्र अदाकार ओम पुरी से संबंधित हैं सिवाय? आंसर है त्रिदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर आएगा रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? तो इसका आंसर आएगा बल्लभगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा न्यायाधीश एसजे वजीफदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उसके जन्मस्थल के जिले के संदर्भ में कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा के अब्बास, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो इसका आंसर आएगा चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष हैं?
तो इसका आंसर आएगा 68.6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं? तो इसका आंसर आएगा जगाधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की सूचीबद्ध संख्या है? तो इसका आंसर आएगा 70 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जादूगर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर आएगा मनीष जोशी बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान राज्य मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग 100 फिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3,000 से 10,000 की आबादी वाले खालिस्तान ग्रामों का विकास करेगी? तो इसका आंसर है 1,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर है हरिगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? तो इसका आंसर है यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार 2016 जीता? तो इसका आंसर आएगा हरियाणा। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है, ये है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा तेज सिंह का महल एक उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा राजपूत चित्रकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड विधि विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्यु दंड के प्रावधान वाला खालिस्तान राज्य बना? तो इसका आंसर आएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है, जंतपाली में, जो कि है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में वर्तमान में खेल कूद मंत्री कौन है? तो ये कौन है, अनिल विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आएगा भरत भूषण भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सोबराई किस राजघराने से संबंधित थी? तो इसका आंसर आएगा जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर आएगा 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है? तो ये कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल्टी जाइंट डीएलएफ के साथ 58 करोड़ रुपए की भूमि खरीद सौदे में कौन संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट वाड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव का 11 रुद्री मंदिर है? तो ये कहाँ पे है, कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुले मल त्याग मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्थान कौन सा है? तो ये कौन सा है, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम हरियाणा में निम्न में से कौन से उद्योग स्थापित हैं? तो इसका आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है, कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा बाग घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता लिए है? तो इसका आंसर आएगा रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा पंजाबी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब है? तो ये कौन सा है, राजा नारसिंह का किला। पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत नगर को कब जिले का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर आएगा 1 नवंबर 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के संदीप सिंह निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर आएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियलिटी शो को अतिथि जज के तौर पर फरीदाबाद हरियाणा की रिचा शर्मा द्वारा जज किया गया था? तो इसका आंसर आएगा जो जीता वही सुपरस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पेपर सिटी है? यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है, पंचकुला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की घोषणा की है जो प्रचलन में आई, ये आई थी नवंबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है? तो इसका आंसर आएगा सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? तो इसका आंसर आएगा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिली का मकबरा किस स्थान पर बना है? तो ये बना है थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी जिले से हैं सिवाय? तो इसका आंसर आएगा मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो इसका आंसर आएगा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए? तो इसका आंसर है बाजे भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया था? तो इसका आंसर आएगा रोहतक से 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? तो इसका आंसर आएगा राज्य मंत्री परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो इसका आंसर आएगा अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता सतलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा फरमाना। निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो इसका आंसर आएगा साहिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो इसका आंसर आएगा मारकंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आएगा शाह मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा था? तो इसका आंसर आएगा मिस्टर कबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में तृण प्रबंधन के लिए उत्साही है? तो इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने जांच की थी? तो इसका आंसर आएगा मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण का किला कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है, थानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा सिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो खालिस्तान नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर आएगा साहिबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का स्थान है? तो इसका आंसर आएगा 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साबरी ब्रदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है? तो इसका आंसर आएगा गुलाम फरीद साबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में किसने रजत पदक जीता? तो इसका आंसर आएगा दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल विशाल मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर आएगा 1.33 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? तो ये बना था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसका आंसर है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन वंश कहा गया, इसकी स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गांव पेड़ों की छाव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देसी पौधों का रोपण किया जाएगा? तो इसका आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा पंचकुला, और सबसे बड़ा है सिरसा। तो फ्रेंड, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और कितने गलत हुए। और अगर आप हरियाणा जीके के 100-100 क्वेश्चन की वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पर 500 लाइक आते हैं
तो मैं जल्द ही हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।